Hello and welcome back to all of you in my channel. तो previous part में हमने botany की जो portion है वो upload किया था. अब हम zoology part को upload कर रहे हैं. Question number 151 से start कर रहे हैं. Match less one with less two. तो अगर आप यहाँ पर देखें, ear bladder जो है ये अस्थि एक्टिज में होता है, जो बोनी फिशेस होती है. तो डी की थ्री स्टोमेटो कार्ड ये हेमे कार्डेट में होता है. इसी स्टोमेटो कार्ड इज अ राड. तो इसी राड के बेस पर जो है इनको पहले कार्डेट में रखा था लेकिन फिर इनको जुदा किया. तो सी की फोर, तो देखते हैं डी की थ्री सी की फोर. ऑप्शन को देखे डी की थ्री सी की फोर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन टू बन जाएगा. प्लेवरो ब्रेकिया जो है इसका ताल्लुक है टीनोफोरा से, और रेडियोला ये ग्रेस्पिंग ऑर्गन है जहाँ इसके जरिए मोलस्क जो है किसी राक या किसी दूसरे बॉडी के साथ अगर खुराक का टुकड़ा अटैच होता है तो उनको अलाहिदा या अलग करता है. तो बी की वन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन टू बन जाएगा. तो बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 152, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. तो यहाँ पर ऐसा करना है कि तरतीब देना है. तो पहले होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, और फिर होता है G2 फेज, फिर होता है M फेज, फिर होता है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. तो G1 ई आ जाएगा, तो ई दो जगहों में है. तो फिर कैरियो G1 से के बाद G2, तो फिर ए सॉरी सबसे पहले G1 फेज होगा, फिर G2 सिंथेसिस फेज भी इसको कहते हैं. तो G1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज यानी एस फेज, और फिर जो है G2 फेज. तो ऐसा बन जाए कि ई सी ए. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन फोर बन जाएगा. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 153, मैच लेस वेन विद टू. कॉमन कोल्ड जो है ये किस रायन वायरस की वजह से होती है. एलर्जी जो है डस्ट माइट्स. वाइडल टेस्ट जो है ये टाइफाइड के लिए है. हेमोजाइन जो है एक किस्म की केमिकल है जो कि प्लाज्मोडियम की साइकिल में आरबीसी के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में आ जाता है. तो ए की फोर सॉरी ए की थ्री बी की वन. ए की थ्री बी के वन, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट वन. 154 नंबर, मैच लेस वन विद लेस टू. टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है. लिशमेनियसिस ये एक प्रोटोजो है. लिशमीन और ट्रॉपिका डोनोवानी बहुत से टाइप्स है इसकी. और रिंगवर्म ये फंजाई की वजह से होता है. पाइलेरसिस एक पैरासाइट की वजह से होता है. उचेरिया जिसको कहते हैं. तो ए की फोर बी की थ्री. ए की फोर बी की थ्री, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन. 155, द फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है लेकिन एडाप्टिबिलिटी हुआ है. तो आई थिंक दिस इज अ डाइवर्जन इवोल्यूशन. बहरहाल आप इसको कंफर्म कर ले. मेरे ख्याल में ये जो है डाइवर्जन, क्योंकि देखिए अगर आप देखें इंसान की जो हाथ होते हैं इसी तरह बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं और डॉल्फिन की जो फ्लिपर होती है, तो इसकी जो एनाटॉमी है वो सेम है लेकिन एडाप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हो चुका है. तो डाइवर्जिफिकेशन यानी ये जो जानवर है ये
अलाहिदा अलाहिदा माहौल में अडाप्ट हुआ है तो डाइवर्ज हुआ है। तो इस किस्म की इवोल्यूशन को हम डाइवर्जन इवोल्यूशन कहते हैं, और इस किस्म के अर्गन को होमोलागस अर्गन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलॉजी। बहरहाल आप इसको कंफर्म कर ले। आई थिंक मेरे ख्याल में ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। और 156 नंबर, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो फिर सबसे पहले जो है ए वी बंडल पुरकिंजी फाइबर, ए वी नोड बंडल ब्रांचेस एस ए नोड। सबसे पहले मैसेज जो है वो राइज हो जाता है एस ए नोड से, फिर जाते हैं ए वी नोड पर। इसी तरह होता है डायग्रामेटिकली देखे, यहाँ पर क्या होता है एस ए नोड, फिर यहाँ पर ए वी नोड, फिर ए वी बंडल्स, और फिर पुरकिंजी फाइबर, और फिर बंडल ब्रांचेस। तो वन टू, तो ई सी ए डी, ई सी ए डी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा ऑप्शन 1। 157 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट। मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर आर स्टीरिंग टाइप। बायो रिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। देखिए बायो रिएक्टर तो बहुत बड़ा ह्यूज टैंक होता है, तो उसमें स्मॉल स्केल पर बैक्टीरियल कल्चर नहीं होता, लार्ज स्केल पर होता है। तो ये ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग वन। एंड फॉर बायो रिएक्टर हैव एन एगिटेटर सिस्टम, बिल्कुल हिलाने के लिए उसमें सिस्टम होता है, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड पोम कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। यूटेराइन फंडस, एस्टिमस, इनफंडिबलम और एम्प्यूला। ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ तो क्या है, ये फिलोपियन, तो इसको पेम्ब्री कहते हैं, इनपंडिबलम, और इसी तरह ये जो है तंग जो नियर एरिया है इसको एस्टिमस, और जो स्विलप एरिया होते हैं उसको एम्प्यूला कहते हैं। तो यूटेराइन फंडस इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। 159 नंबर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन द निप्रान डिसेंडिंग लेम्बल और डिसेंडिंग लेम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। गलत है, जो डिसेंडिंग लूप होता है तो ये परमिएबल है किस चीज को, वाटर को, एंड परमिएबल टू impermeable to electrolytes। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज लाइन बाय सिंबल कॉलमनर, कॉलम नहीं बल्कि क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर से जो है ये लाइन होता है। और तो यह पर करेक्ट ऑप्शन ऐसा बन जाए कि ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। 160 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्ट व्हेन वर्क इक्विलिब्रियम। म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, इसी तरह जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये जो है हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन को मुतासिर करता है, जैसे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, फिर पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो है एक डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी है, एक रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी है। तो अगर कांस्टेंट जीन पोल है, यानी एक इलाके में फॉर एग्जांपल 10 एंट्स है, 6
रेड है और जो है वो ब्लैक है। तो इनकी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी है वो सेक्स है और इसकी 4 है। अगर ये कांस्टेंट चलता है तो फिर म्यूटेशन नहीं आता, तो फिर ये जो है म्यूटेशन या इवोल्यूशन इस पॉपुलेशन में नहीं आ सकता। तो दिस कांस्टेंट जीन पोल नॉट अफेक्ट द हार्ड-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। 161 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? कॉर्टिसोल एड्रेनल कॉर्टेक्स से खारिज होता है, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ये सेक्स हार्मोन है, तो ये भी स्टेरॉइड्स है। ग्लूकागन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 162 नंबर, मैच लेस 1 विद लेस 2 नॉन मीडिएटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी और इम्प्लांट्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पर देखिए नॉन मीडिएटेड आईओडी का ताल्लुक लिप्स। और इस तरह नेक्स्ट बी के वन मल्टी लोड 375 और सी 4, तो LNG20। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 4, ए की 3, बी की 1, सी की 4, डी की 2। क्वेश्चन नंबर 163, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अपीयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सीरल आर प्रेजेंट इन 10 सेगमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। और मैच लेस 1 विद लेस 2, तो ऐसा है कि देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, और फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी बराबर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजिडुअल वॉल्यूम। रिस्पायरेशन के चैप्टर से ये एमसीक्यू दिया है, तो ऑप्शन ए देखिए, ए की 2, बी की 4, सी की 1 और पी की और डी की 3, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। मैच लेस 1 विद लेस 2, कौन जो है कॉमन कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो है ये इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल होता है, मेडुला कंट्रोल रेस्पिरेशन और सेरिबिलम प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेट पोस्टर एंड बैलेंस। तो डी की 1, सी की 2, डी के 1, सी के 2, डी के 1, सी के 2। देखिए यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाने। क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। जो भी जाइना के ऊपर जो पर्दा होता है हाइमन, तो ये जो है ये वर्जिनिटी की इंडिकेटर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये टूट जाता है साइकिलिंग से वर्जिश से भी। द हाइमन इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट, ये क्या लापस है, फर्स्ट ओनली। बहरहाल जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट है और ये जो है सेकंड जो ऑप्शन है ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फॉलोइंग डायग्राम वर्किंग शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट एन इक्वलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, फाइंड द रूल ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए द जीन एक्स रिस्पॉन्स फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एंड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो जीन एक्स है ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं ही शो करता, और द जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग
controlling the copy number of the long DNA and Y bar protein involved in the replication of plasmid. Option 2 is the correct one. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब. क्वेश्चन नंबर 168. विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट. तो ऐसा बन जाएगा कि न्यू स्ट्रैंड 5' बन जाएगा और टी के साथ थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ यूरासिल, साइटोसिन के साथ गवानिन, थाइमिन के साथ यूरासिल, गवानिन के साथ गवानिन. यहाँ पर अगर आप देखें ये आप भी कर सकते हैं टी टी के साथ ए ए के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन आता है, साइटोसिन के साथ गवानिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, गवानिन के साथ साइटोसिन, गवानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गवानिन और इसी तरह एडेनिन साइटोसिन के साथ फिर गवानिन. तो अगर आप ये ऑप्शन देख ले तो करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन 4 है. तो सॉरी 5-ATGTACC ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. 169. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. देखिए अगर आप देखें यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये तो इजी है, क्लास 10 में है. और इसी तरह नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ऑटो इम्यून नहीं है. और गाउटी आर्थराइटिस ये भी नहीं, यूरिक एसिड की वजह से होता है. और इसी तरह ये जो है इसी लिहाज से ये जो है ये सिलेबस में आई थिंक नहीं है ये बीमारी SLE. और इसी तरह मेस्टीनिया ग्रेविस, ग्रेविस डिजीज भी जो है ऑटो इम्यून डिजीज है. तो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो ए बी ई एंड ई ओनली. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सेकंड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जामनी. 170 नंबर. मैच लेस वन विद लेस टू. मैगजीनी हैगफिश, प्रेस्टिस साफिश, टेरुफाइलियम एंजलफिश, एक्सो सीटियस फ्लाइंग फिश. चूज द करेक्ट. तो इसकी जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए के 3, बी के 1, सी के 2, डी के 4. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है. 171 नंबर. क्यों बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन. इफ एसएच एक्ट अपॉन यूरिन फॉलिकल एंड फीमेल एंड लेडिक सेल. देखिए लेडिक सेल यहाँ पर गलत है क्योंकि जो LH होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन वो लेडिक सेल पर एक्शन करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो है खारिज होता है. तो करेक्ट ऑप्शन ये गलत है. रीजन नंबर रीजन ग्रोइंग ओवरिन फॉलिक सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल है. डी ये करेक्ट है. तो ऑप्शन वन इज द फॉल्स वन एंड द सेकंड वन इज करेक्ट. ए इज फॉल्स वर्ट, आर इज ट्रू. 172. विच लेस वन मैच लेस वन विद लेस टू. लाइपेज जो है ये ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है. न्यूक्लियस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइलेज ग्लाइकोसाइड बॉन्ड. तो ए की 4 लाइपेज, ए सॉरी ए की 2 और बी की 4, ए की 2 बी की 4. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. 173 नंबर. मैच लेस वन विद लेस टू. एक्सोनियम जो है ये सीलिया और फ्लेजिला के कंपोनेंट में आता है. कार्टविल जो है ये सेंट्रियोल की शक्ल बनाता है और क्रेस्टा जो है माइटोकांड्रिया में सैटेलाइट डीएनए क्रोमोसोम में होता है. तो डी की 3 सी के 4, डी की 3 सी के 4, डी की 3 सी के 4. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. 174 नंबर. मैच लेस वन विद लेस टू.
डाई काइनेसिस जो है ये टर्मिनलाइजेशन है चियाजमेटा का, चियाजमेटा एक्स ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसको चियाजमेटा कहते हैं, और ये जो नाड्यूल है इसको रिकम्बिनेशन नाड्यूल कहते हैं। तो डाई काइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाजमेटा पेकाइटिनी में क्रॉसिंग ओवर होता है, यह रिकम्बिनेशन नाड्यूल बन जाता है। लेफ्ट टेनी में जो है जो 10th थ्रेड हो है वो कंडेन हो जाता है, तो डी की 3 ए की 4 जाइगोटिनी में पियर हंग होता है, साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो सी की 1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 174 में ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ए की 2 बी की 4 सी की 1 डी की 3। 175 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनालिड आर ट्रू सिलिमेट, बिल्कुल ठीक है, पोरोपोरिन आर सीडो सिलिमेट, पोरोपोरिन में सिलिमेट यानी सिलोम का कोई भी बाहस मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट है एस्कलमेंटिस आर ए सिलिमेट, ये सीडो सिलिमेट है, और प्लेट एलिमेंटिस आर सीडो सिलिमेट, ये भी गलत है, चूज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट वन। 176 नंबर, मैच लेस वन विद लेस टू, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का ताल्लुक जो है एम्फिसीमिया का के साथ है, क्राई आई ए बी कॉर्नर बोरन, तो ए की 3 बी की 4, ए की 3 बी की 4, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, मैच लेस वन विद लेस टू, फाइबरस जॉइंट जो है ये स्कल में मौजूद है, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये वर्टिब्रेन में होता है, हिंज जॉइंट जो है ये नी है में होता है, और बाल इंसर्टेड जॉइंट ये शोल्डर में होता है, और इसी तरह हिप एरिया में होता है, तो ए की 3 बी की 1, ए की 3 बी की 1, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 बन जाएगा। 178 नंबर, 3 टाइप ऑफ मसल आर गिवन एज ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी, स्मूथ टू इज नहीं, स्केलेटल मसल होता है इसमें, स्केलेटल लेग्स बिल्कुल, कार्डिक जो है हार्ट में होता है, स्केलेटल जो है ये ट्राइसेप, स्मूथ जो है स्टमक में होता है, और कार्डिक जो है हार्ट में होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। 183 नंबर, सॉरी मैच लेस वन विद लेस टू, डाउन सिंड्रोम ये ट्राइसोमी कंडीशन है, 21 नंबर क्रोमोसोम है, तो ए की 3, ए की 3, तो ऑलरेडी ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन 3 को देखे, ए की 3 बी की 4 डी की 2, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन अल्वियोलाई, तो करेक्ट ऑप्शन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। 181 नंबर, गिवन बिलो आर स्टोन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, फास्ट टू रिसेंट, सबसे पहले जो है वो है होमो हैबियस, फिर जो है हम होमो निंदरतन, और फिर होमो सॉरी सबसे पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निंदरतन, और फिर होमो सेपियन, तो ए फिर डी फिर सी और फिर बी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। 182 मैच लेस वन विद लेस टू, कोकाइन जो है ये मौजूद ये एरेथ्रोजाइलम कोका में मौजूद होता है, हेरोइन जो है ये पाफीवर सोमिफेरम में होता है, मॉर्फिन जो है इफेक्टिव एडिक्टिव ड्रग्स है क्योंकि सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, मेरोजोना कैनबिस सैटिवा का नाम बंक का नाम है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए के 3 बी के 4 सी के 1 डी के 2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 183 नंबर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एजर्शन एंड द अदर इज लेबल एज रीजन, एजर्शन को देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्थी बेबी, बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होता है, कोलोस्टरम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, बिल्कुल ठीक है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट।
Except for which of the following is not a natural traditional contraceptive method? Coitus interruptus, periodic abstinence, lactational और इसी तरह वाल्ट. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन फोर है. 185 नंबर द टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर पेशेंट स्टैंड पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ठीक है, टी आई का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट वन. 186 मैच लेस वन विद लेस टू एक्सोप्थाल्मिक गोएटर. ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होता है जिसमें आई जो है वो बाहर आ जाता है. एग्रोमिकाली जो है एक्सेसिव ग्रोथ होता है बोन्स का ग्रोथ हार्मोन की वजह से. तो ए की थ्री बी के फोर, ए की थ्री बी के फोर. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये सी को देखे. कुशिंग सिंड्रोम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल मून फेस एंड हाइपर ग्लेसीमियन. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी की वन, ए के थ्री बी के फोर, सी के वन एंड डी के टू. 187 नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर अबाउट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया आर रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट. देखिए यहाँ पर मुआजिना जो है माइटोकांड्रिया के मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के दरमियान है, तो इसके कंपैरिजन हम नहीं कर सकते. ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में है और इस एनसीईआरटी में जो है कंपैरिजन द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड द आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के दरमियान है. तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज फॉल्स. 188 रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम इनएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स. सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सब्सट्रेट, रिलीज अ प्रोडक्ट केमिकल बॉन्ड ऑफ सब्सट्रेट ब्रोक सब्सट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट. सबसे पहले जो है सब्सट्रेट बाइंड हो जाता है किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ. और फिर जो है एंजाइम जो है वो बॉन्ड्स उनके जो बॉन्ड्स है उनको भी तोड़ देता है. सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है. इसी तरह नेक्स्ट जो है केमिकल बॉन्ड फिर जो है वो तोड़ दिया जाता है. तो सबसे पहले अटैचमेंट होता है, फिर जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड तोड़ दिया जाता है. तो ई और फिर ए और फिर डी फिर सी फिर बी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन वन है. क्वेश्चन नंबर 189 मैच लेस वन विद लेस टू रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. गेजर जो है ये परिंदों में होता है, क्रैब भी परिंदों में होता है. क्रैब जो है ये स्टोरेज के लिए होता है और गेजर जो है ये ग्राइंडिंग के लिए होता है. तो ए की फोर और इसी तरह डी के वन, ए की फोर डी के वन, ए की फोर डी के वन. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन वन बन जाएगा. 190 नंबर द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउ नॉन कॉर्डेट पेरिंग साइज ऑफ परफोरेटेड बाई गैल्सलेट. यहाँ पर तो गैल्सलेट नहीं होता. नोटोकार्ड इज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल साइड बल्कि वेंट्रल साइड पर होता है, हार्ट डार्सल साइड पर होता है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है. तो दो ऑप्शन गलत है, ए और सी. तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी डी ई, बी डी ई. चलते हैं नेक्स्ट 191 नंबर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जेक्स्ट्रा मिडोलरी निफ्रॉन. जेक्स्ट्रा मिडोलरी निफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. ये फॉर एग्जांपल ये पायरामिड है, ये भी पायरामिड है. तो ये कहते हैं कि जो जेक्स्ट्रा मिडोलरी निफ्रॉन है इसी तरह होता है कि ये यहाँ पर मौजूद होता है. तो ये गलत है. जेक्स्ट्रा मिडोलरी निफ्रॉन आर जस्ट नियर टू कॉर्टिक्स रीजन. तो ऑप्शन वन इज द रॉन्ग वन. रीनल कार्पसल ऑफ जेक्स्ट्रा मेडोलरी निफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडोला. गलत है, द इनर पार्ट. लूप ऑफ हेनले ऑफ जेक्स्ट्रा मेडोलरी निफ्रॉन रन डीप इनटू मेडोला. ठीक है, जेक्स्ट्रा मेडोलरी निफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल निफ्रॉन. गलत है. तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा जो तल नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट है. 192 नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई नर्व ट्रैक नोन एज कार्पस कोलिएशन. बिल्कुल ठीक है, जो दो स्पीयर होता है इंसान के ब्रेन में वो कनेक्ट होता है एक ब्रिज के जरिए,
जिसका नाम है कॉर्पस कुलेसम केलोसम सॉरी। नेक्स्ट द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ब्लांगेटा पॉन्स एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम इसमें नहीं है, पॉन्स है, मेडुला ब्लांगेटा है और सेरिबिलियम है। तो करेक्ट ऑप्शन या फिर ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज रॉन्ग। मैच लेस वन विद लिस्ट टू। पी वेव जो है ये डिपोलराइजेशन है एट्रिया का, और फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव जो है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, और टी और पी वेव जो है ये जो है हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाए ए की 3, बी की 2, सी की 4, डी की 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मैच लेस वन विद लेस टू। मेसोजोइक एरा जो है ये रिप्टाइल का है, सेनोजोइक एरा ये मैमल का है। तो ए का 4, ए की 3, बी का प्रोटोजोइक ये फर्स्ट एरा है, और इसी तरह सेनोजोइक एरा ये मैमल का है। तो सी का 4, सी का 4, ए की 3, बी की 1, सी की 4, डी की 2। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। 155 में एस पर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एज बी, मदर एज ए प्लस, चाइल्ड एज ओ, दियर रिप्रेसिव जीनोटाइप कैन बी। तो ए ऐसा होगा कि जो फादर है वो है आई बी आई, और जो मदर है वो है आई ए आई। तो इस तरह होगा कि आई और आई, सॉरी ये वाला, तो ये आई नॉट बन जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप हो ओ बन जाएगा। तो मदर का जो ग्रुप है वो आई बी आई ए है, तो यहाँ से ऐसा होगा कि यहाँ से आई आ जाएगा, तो ये जो आई आई वाला कॉम्बिनेशन है ये ओ ब्लड ग्रुप बनाता है, तो ए इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। 156 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेस होना चाहिए। तो ऑप्शन वन इज द इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपिटिशन द इंटीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है। 157 नंबर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। बिल्कुल ठीक है, बोथ बोन मैरो एंड थाई मसल प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। मैच लेस वन विद लेस टू। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो गॉब्लेट सेल है, जहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। तो ए की 3, ए की 3, तो ए की 3, बी की 4, सी की 1, डी की 2। अगर एक मालूम हो जाए तो फिर दूसरा आसान है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 199 नंबर मैच लेस वन विद लेस टू। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये याद कर ले, इसका फार्मूला याद करें, आरएमटी रोशनी मैम टैलेंटेड। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 2 मैसेंजर आरएनए, और 3 जो है ट्रांसफर आरएनए। तो यह फर्क क्या बन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और टाटा बक्स जो है ये प्रोमोटर में यूकैरियोटिक की जो सेल है उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ए की 4, बी की 3, सी की 1 एंड डी की 2। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। 200 नंबर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। एलएच एफएसएच, एलएच जो है ये लेडिक सेल पर काम करता है, एफएसएच सर्टोली सेल पर। ये एंड्रोजन रिलीज करता है, और ये जो है फॉर्मेशन, फिर एंड्रोजन से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो एपेसेज लेडिक सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 बन जाएगा। तो ये थी कंप्लीट पेपर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।